इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 16 अगस्त को एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर आकाश में उड़ रहा था और उड़ते प्लेन से 3 अफगान नागरिक गिरते नजर आए। और अब जो खबर सामने आई है उससे और ज्यादा हैरानी और दुख होता है, क्योंकि अब पता चला है कि इन 3 में से एक शख्स अफगानिस्तान के नेशनल फुटबॉल टीम का प्लेयर था। उनका नाम था ज़ाकी अनवारी। ज़ाकी अनवारी की पहचान और उनकी मौत की पुष्टि अफगान राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने भी कर दी है। 15 अगस्त को काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद 16 तारीख को काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये लोग किसी भी कीमत पर देश छोड़ना चाहते थे। अफगानी सैनिक भले ही तालिबान के सामने घुटने टेक गए हों, लेकिन ज़ाकी अनवारी हार नहीं मानना चाहता था। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में रहते हुए ज़ाकी मैदान पर हमेशा विपक्षी टीम से लोहा लिया करता था और आतंकी तालिबानियों के सामने भी कतई झुकना नहीं चाहता था। इसलिए उसने भी देश छोड़ने का फैसला किया और वो भीड़ में शामिल हो गया। आम लोगों की तरह अमेरिकी विमान से वो लटक गया। C-17 प्लेन के उड़ान भरने से पहले प्लेन के टायरों के ऊपर बनी हुई जगह पर वो सवार हो गया। ये फैसला उसके लिए कितना घातक साबित हुआ और कैसे उसे जिंदगी गंवानी पड़ी, ये तस्वीर हर किसी ने देखी और हर कोई अब ज़ाकी अनवारी उसके होने पर और हैरान कर हो रहा है। फुटबॉल का एक खिलाड़ी जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, जो तालिबान के खौफ को जानता है और उस खौफ के साए में जीना नहीं चाहता था, आप समझिए उसकी ज़हनियत क्या होगी उस वक्त। कितना डरा हुआ होगा, कितना मजबूर होगा कि उसने ये सोचा कि इस हवाई जहाज के टायर पर बने हुई जगह पर ही मैं किसी तरह लटक के इस देश से बाहर चला जाऊं तो शायद जिंदगी नसीब हो, आजादी की सांस नसीब हो। लेकिन उसे इस बात का शायद इल्म ही नहीं रहा कि यहां पर भी मौत ही मिलेगी। अफगानिस्तान में जब से तालिबान का राज हुआ, तालिबान ने जब से यहां अपना शिकंजा कस लिया, उसकी कैद से आजाद होने के लिए न जाने कितने लोग इस वक्त अफगानिस्तान छोड़ने के लिए तैयार हैं। मारा मारी है अफगानिस्तान छोड़ने की। और अब ये जो तस्वीर, ये दोनों तस्वीरों को आप देखिए, एक नौजवान, एक समझदार इंसान, एक खिलाड़ी, और उसके मन में क्या खौफ का मंजर रहा होगा, तालिबान को लेकर क्या दहशत रही होगी कि उसने प्लेन में इस तरीके से चढ़कर ही देश को छोड़ना जरूरी समझा। जबकि कोई भी समझदार इंसान ये जानता है कि ऐसे हवाई जहाज को सफर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद ज़ाकी अनवारी ने ये किया। आप जरा सोचिएगा। हमारे साथ डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद जुड़े हुए हैं। मनीष, दर्शक भी ये देखकर खौफजदा हो रहे होंगे कि एक फुटबॉलर जो जानता है, जिसने पढ़ाई लिखाई की होगी, जो ये समझता होगा कि तालिबान के खौफ में रहना कितना खतरनाक है, लेकिन उसने वो खतरा भी उठा लिया जिसमें उसे मौत मिली। मीनाक्षी, सीधा उन लोगों से बात करते हैं जो अफगानिस्तान के हैं। आपने जितने फुटबॉलर है वो ग्लोब मास्टर के ऊपर था, कोशिश कर रहा था कि वो जा सके, एक तो नीचे गिर गया, फिर उसके बाद एक डॉक्टर साहब थे उनकी हालत भी ऐसी थी। ये क्या डर, ऐसी तस्वीर मन खराब होता है इस समय अफगानिस्तान को देखते हुए? बहुत ज्यादा खराब, इतना रोए हैं हम, जो दिन हम रोए, जब से तालिबान काबुल लिया है तब से हम रोए हैं। हमारा फ्लैग पास ही उतर गया और दे दिया, ये बहुत ज्यादा वहाँ पर। आपने वो तस्वीर देखी जिसमें वो C-17 से डाउन नीचे गिरा, मेरे फुटबॉलर था, हमारे कम उम्र का बच्चा था। नहीं, हमारी तरफ कर दो, समझो क्या कह रहे हैं आप, विश्वास कर सकते हैं तालिबान पे? तालिबान कह रहा है ना वो महिलाओं के साथ नहीं करेगा, वो कोई भी कपड़े पहन सकेंगे, कुछ नहीं हो सकेगा, बस जखना। नहीं नहीं, तालिबान पे विश्वास नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा तालिबान अभी एक ही बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे, नहीं करेगा। यानी तालिबान के ऊपर ट्रस्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे वो लोग हैं जो कि अपने छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर हैं। और मीनाक्षी, ये तस्वीर इस समय अफगानिस्तान एम्बेसी के बाहर की, जहाँ पर ये सभी लोग अपने लिए, अपने लोगों के लिए वीजा के लिए आए हैं ताकि यहाँ से वीजा ले सकें। और ये आप यहाँ तो
हाथों में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर पहुंची हैं महिलाएं, और फिर उसके बाद अब ये कोशिश कर रही हैं, छोटे बच्चों को लेकर आई हैं, तेज बारिश हो रही है उसके बावजूद भी इन सबको यहाँ पर सुरक्षित रखना है, बच्चों को सुरक्षित रखना है। तालिबान क्या विश्वास कर सकती है किस तरीके से वो बोल रहा है? वो तस्वीर आपने देखी जिसमें C-17 दो मास्टर से वो फुटबॉलर, कम उम्र का फुटबॉलर, वो नीचे गिरा। अगर विश्वास करता वो जवान वो अपने आप को गिर सकते थे, लेकिन विश्वास भागने लोग मुझ में नहीं रहते क्योंकि विश्वास ही नहीं है, आरामिश नहीं है उधर, बहुत डरा हुआ लोग। और जब तालिबान ये कहता है कि महिलाओं के साथ कुछ जाति नहीं होगी, आपको लगता है ये सही है? दो दिन हो गए उन्हें माफी नहीं दिया, फिर घर से निकाल मारती है, दो दिन माफी दे दिया फिर घर के अंदर महिलाओं को मारती है। और यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ मीनाक्षी बात हो रही है, ऐसे में सिर्फ अपने इसी पे आए हैं यहाँ पर ताकि इनकी मदद हो सके, जो लोग वहाँ पर हैं उनकी से मदद उनकी हो सके। क्या कह रहे हैं फोन करके आपके परिवार के लोग वहाँ से? हमारे परिवार के लिए अभी तो मेरे को एक महीने हो गए, मेरे पापा कवर में काम करते हैं, मेरे भाई मामी आ गए इधर ऑपरेशन के लिए, इधर ले गए उधर बुलाए थे, नहीं है मनीष, ये इन महिलाओं के चेहरों से भी समझ में आने लगा है कि कितना खौफ इन लोगों के मन में है। और वाकई में जो इस वक्त हामिद करजई एयरपोर्ट पर केवल राह तक रहे हैं कि कब उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए, ये समझा जा सकता है कि ये डर कितना बड़ा है। मनीष, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। और फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए सोमनाथ मंदिर को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।